लास्ट में हमने जितना भी पढ़ा था वो फेमटो पिको वाला पढ़ा था, बेसिक ऐसा यूनिट पढ़े थे, तो कोई मुझे बताएगा एफटीएस का फुल नेम क्या था? बोला चलो फटाफट याद कर लेते हैं। एंड सेकंड सीजीएस का फुल नेम ग्राम सेकंड, राइट राइट राइट। एमकेएस का फुल नेम सेकंड, चलो एसआई का फुल नेम, ओके सिस्टम इंटरनेशनल, बेसिक यूनिट 7 थे। चलो लेंथ का क्या था एसआई यूनिट? लेंथ मीटर, वेरी नाइस, स्मॉल एम आएगा मीटर का। फिर मास का क्या था? किलोग्राम, केजी, हाँ। फिर टाइम का सेकंड, तो एस लिखना है। फिर टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, तो के आएगा। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला सीडी, राइट। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल का एमओएल ही आएगा। और एम्पियर किसका था? बोलो एम्पियर किसका था, कोई मुझे बताएगा? ओके इलेक्ट्रिक करंट का था एम्पियर। फिर फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली, बराबर। फिर सेंटी था, सेंटी था ना। फिर डेसी डेका डेडी, फिर हॉकी का मतलब हेक्टा किलो, फिर मेगा बीगा टेरापेटा, क्लियर। सीडी सीडी बेटा, कैंडेला का सीडी होता है ना, कैंडेला, तो सी और डी लिखना है, क्लियर। चलो अब उसी को मुझे आगे कंटिन्यू करना है, मास एंड वेट, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, कोई मुझे बताएगा मास और वेट दोनों डिफरेंट क्यों है? बोलो बेटा, हाँ वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो मास का डेफिनेशन क्या था बोलो? द अमाउंट ऑफ मैटर, फिर से एक बार, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? मास। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? ऑलवेज ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा, क्यों कॉन्स्टेंट रहेगा? क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर, तो अगर मैटर को चेंज नहीं करोगे तो उसका अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मेरा वेट, अरे मेरा 60 kg है, अब 60 kg का मतलब अगर यहाँ पे मैंने किया तो 60 kg आएगा, तो किसी और जगह पे मैं जाऊंगा तो 60 kg रहेगा, तो एग्जैक्टली होता है वो मास, कभी चेंज नहीं होगा। आप मुझे बताओ वेट का मतलब क्या होता है? वेट, हाँ बट मुझे डेफिनेशन लिखना है, तो मैं ऐसे हिंदी में तो नहीं लिख सकता ना बेटा, डेफिनेशन में हिंदी में तो नहीं लिख सकता। एक मिनट, बोलो द फोर्स बोलो बाय ग्रेविटी ऑन बोलो एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड, बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा,
आएगा ना, वो भी लिख सकते हैं ना, बट अगर स्पेस लिखेंगे ना स्पेस, तो वो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। हम अगर स्पेस को लिखते हैं तो स्पेस का मतलब वो मास की जगह पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो मैं स्पेस नहीं लिख सकता, समझ रहे हो। स्पेस लिखोगे तो वो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेस का मतलब क्या होता है, ब्रेथ लेंथ हाइट, तो वो तो मेरा वॉल्यूम हो गया ना। क्लियर? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां मैंने लिखा है ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बोलो। नहीं, यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं ना कि इट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटी, सो चेंज विथ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी चेंज हो जाएगा हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा। बोलो एम आई राइट कर रहा हूं। तो सिर्फ मुझे दो ही सेंटेंस याद रखने हैं, ये मुझे कहां पे यूज हो सकता है, एमसीक्यू या तो शॉर्ट क्वेश्चन में यूज हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो दोनों का डेफिनेशन मुझे लिखना है। मास का क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड मास, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बट द फोर्स, बोलो क्या आएगा, यहां पे गलती हो गई ना, फोर्स क्या आएगा बोलो। हाँ, बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलो ये ग्रेविटी के साथ में चेंज होगा, और सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, अगर मुझे वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ स्पेस बोलो आगे, ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस बाय इट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो अभी जो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मैं स्पेस क्यों नहीं लिख सकता, अगर मैंने स्पेस लिख दिया तो वो तो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, क्लियर। चलो आप सबको पता है कि वॉल्यूम का मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं, बोलो। हाँ, अगर मैंने यहां पे 1 लीटर लिखा तो 1000 मिली लिख सकते हैं। चलो अगर मुझे मिली नहीं लिखना है, मिली नहीं लिखना है, तो उसकी जगह पे मैं सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकता हूं। कोई मुझे बताएगा क्यों मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इट मींस लेंथ ब्रेथ हाइट, ये मैं मीटर में कैलकुलेट करूंगा। क्यों मैंने मीटर में किया, क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो उसका मतलब जो आपके पास बेसिक 7 यूनिट है उससे मैं किसी का भी यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ ब्रेथ, ऐसा यूनिट ऑफ हाइट, कैलकुलेशन इन मीटर यूनिट, देयरफॉर वॉल्यूम इट मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो मीटर मीटर मीटर, इट इज कॉल्ड मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। चलो 1 लीटर तो 1000 मिली,
अगर मिली नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। चलो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो कोई मुझे बताएगा डेसीमीटर में कैसे करेंगे? देखो यहां मैंने कर दिया 10 सेंटीमीटर, बट 10 सेंटीमीटर इट मींस 1 डेसीमीटर। बोलो बेटा, तो यहां पे डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। आवाज आ रही है बेटा? हेलो जिगर, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है बेटा। सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज चेतन आप चैट बॉक्स में लिखो तो बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बट आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है बेटा। आपकी आवाज आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, ये बीच। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 इट मीन्स 10 10 10 मल्टीप्लाई होता है। यहां पे मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बट हमें पता है डेसीमीटर इट मीन्स व्हाट? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे मेरा हो गया 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, तो उसका मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी मैं लिख सकता हूं। क्लियर? हाँ, हमने वो पूरा टेबल लिखा है ना बेटा, टेबल में दोनों का रेशियो निकालूं आपको पता चल जाएगा, दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा। कल हमने पढ़ाया था, याद करो, डेसी डेका सेंटी ऐसा पढ़ा था ना, याद आया कि भूल गए? क्लियर बेटा? हेलो आवाज क्लियर है बेटा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बीच बीच में कट हो जाता है, तो ब्लूटूथ में दिक्कत है शायद। नहीं आए ना तो आप चैट बॉक्स में लिख देना बेटा, अगर आवाज चली जाती है तो। अभी तो आ रही है ना, क्लियर ने? ओके, चलो मैंने वॉल्यूम फास्ट कर दिया। चलो अब इसके बाद में मुझे चाहिए डेंसिटी। चलो कोई मुझे बताएगा डेंसिटी इट मीन्स व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। चलो ये तो सबको पता है, अब कोई मुझे बताएगा एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी हमने कैलकुलेशन किया था मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या आएगा? क्लियर? किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं meter^-3। तो ये भी मुझे शॉर्ट क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में यूज हो सकता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्लियर? तो ये भी मेरा सिंपल हो गया, मास आए तो किलोग्राम, उसके बाद में अगर वॉल्यूम आता है तो ब्रेथ लेंथ एंड हाइट,
it is called meter cube. Then I have density. So density it means what? So gram by क्या आएगा? Mass by volume. तो SI unit of mass किलोग्राम, SI unit of volume meter cube. Therefore SI unit of density किलोग्राम मीटर is to minus 3 या तो किलोग्राम by meter cube. तो ये भी मुझे MCQ में यूज हो सकता है. क्या बात कर रहे हो? सबको लगा रही है? मैंने यहां बेटा फास्ट कर दिया है माइक, फिर भी लगा रहे हैं. अभी बोला तो अभी भी लो ही आ रही है. रुद्रा बोल रहा है नो सर. सबको लो आ रहा है बेटा? क्या आप बात कर रहे हो? सबको लो आ रहा है? एक मिनट ठहरो, मैं ब्लूटूथ ही. चलो अभी आ रहा है वॉइस? यस सर. ब्लूटूथ में दिक्कत था, ब्लूटूथ निकाल दिया मैंने. छोड़ो, अभी आएगा ना क्लियर? ओके. अब आपको पता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम, क्या हुआ बेटा? हाँ, आपको डेंसिटी का मतलब एग्जैक्टली पता है? डेंसिटी इट मींस व्हाट? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मास, इट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी. तो देयरफॉर डेंसिटी इट मींस मास बाय वॉल्यूम. एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब. ये दोनों वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया तो किलोग्राम बाय मीटर क्यूब. क्लियर? कौन सा बेटा? वो तो आगे आएगा ना, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे सभी के एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करने ही है. राइट बेटा? नहीं, डेंसिटी का डेफिनेशन नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा यूनिट याद रखना है. क्लियर? यस सर. चलो अब टेम्परेचर. तो सबको पता है टेम्परेचर हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? बोलो. डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस केल्विन एंड फारेनहाइट. अब आपको पता है कि अगर मुझे केल्विन लाना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करना है? 273.15. क्लियर? बट अगर मुझे डिग्री फारेनहाइट चाहिए तो 9/5 डिग्री सेल्सियस 32. ये तो आपने आधे के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना, केल्विन में कन्वर्ट करना और फारेनहाइट में. यस सर. क्लियर? यस सर. चलो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप मुझे आंसर लाके दिखाओ. यहाँ पे मैंने लिखा 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन कितने होते हैं, डिग्री फारेनहाइट कितना होता है? बोलो. 273.15. ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फर्स्ट एग्जाम में 100% आएगा. चलो 273.15 तो 298.15 केल्विन. अगर मुझे उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बोलो डिग्री फारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस 32 9/5 25 32. चलो एक कट हो गया.
45 plus 32 77. अब आपकी गलती कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर मैं केल्विन लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ के लिखना है, गलती से डिग्री केल्विन ऐसा मत लिख देना, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट होता है, पर केल्विन का तो सिर्फ के ही आता है ना। yes, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल तो आ जाएंगे सब, कुछ नहीं है ना। बोला केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगती, क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगती? वो तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया ना, केल्विन साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो उसके लिए सिर्फ उसका नेम हमने लिखा है केल्विन, बट वो जब हम मेजरमेंट करते हैं ना तो वो डिग्री डिसाइड करता है, जैसे कि ह्यूमन टेम्परेचर, तो वो जो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसमें जो हमें टेम्परेचर दिया है ना वो डिग्री में दिया है, समझ रहे हो? तो उसी लिए हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट, कि भाई 104 डिग्री है, 104 फारेनहाइट है, समझ रहे हो? हाँ। अब आपके पास बुक है? चलो, उसमें छोटे छोटे तीन एग्जांपल दिए हैं, तीन एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट नंबर में वन इंच तो होता है 2.54 सेंटीमीटर, चलो एक एग्जांपल इससे दिया है, बुक हो तो एग्जांपल का क्वेश्चन पढ़ो। सर बुक नहीं है तो? बुक है आपके पास? नो सर। यस नो सर। किसी के पास तो होगा ना बेटा? यस सर आई हैव। यस सर। यस सर। हाँ तो पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो बेटा। अ पीस ऑफ मेटल, अ पीस ऑफ मेटल, बेस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल, पीस पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, 3 इंच लॉन्ग, what is its length in centimeter? चलो अब आपने जो 8th-9th में कैलकुलेशन किया है, यहां पे ये लोग कैलकुलेशन थोड़ा टफ देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि 1 इंच 254 सेंटीमीटर, 1 इंच का मतलब क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। हाँ तो यहां पे मुझे क्या करना है वो देखो, इंच की जगह पे यहां पे मैं 1 लिख के ऐसा लिख सकता हूं बाय 1 इंच, बोलो। यस सर। हाँ तो अब मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए? 3 इंच, तो उसका मतलब 3 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, तो ये मेरा कट हो गया, तो 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, तो बोलो 3 इंच का मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? 7.62। क्लियर? यस सर। मतलब मुझे क्या करना है, जो अभी तक हम ऐसा लिख रहे थे कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच इक्वल टू हाउ मैनी, मुझे उसकी जगह पे क्या करना है, उसका वैल्यू प्लेस करना है। अब आप सोचोगे कि सर इससे क्या पता चलता है,
तो यूनिट कैसे कट होता है, समझ रहे हो? मुझे वो पता चलेगा ना कि यूनिट हम कैसे कट करते हैं, चला पता है? देखो यहाँ पे मैंने एक सेकंड क्वेश्चन ले लिया के 5 inch इक्वल टू मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलो अब 1 inch का मतलब क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। चलो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 1 का वैल्यू मुझे क्या मिला ये पता चला? यस सर, यस सर। चलो आप मुझे क्या बोला है 5 inch, तो उसका मतलब 5 inch तो मैं लिखूंगा ही, बट उसको ये 1 के वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे यूनिट कट करना है ना, हो गया ना? यस सर। तो बोलो कितना आता है सेंटीमीटर में? चलो सबको पता चला है? यस सर, यस सर। सिंपल एग्जांपल है, ये भी मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में यूज हो सकता है। कहाँ पे यूज होगा? शॉर्ट क्वेश्चन में। चलो इसके बाद में भी मुझे क्वेश्चन दिया है। यस सर, सर आप इसका वीडियो भेजोगे? बोलो दूसरा कौन सा क्वेश्चन दिया है? 1 minute बेटा, अजा कंटेन 2 liter ऑफ मिल्क, कैलक्यूलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। चलो आप कैसे करोगे? बोलो सबको पता है कि 1 liter इट मीन्स 1000 मिली। बोलो यस, 1000 मिली इट मीन्स 1000 centimeter cube। यस सर, अभी मैंने आपको पढ़ाया। चलो सबको पता चला फिर से एक बार, 1 liter इट मीन्स 1000 मिली, 1000 मिली तो मिली इट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम तो वॉल्यूम इट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 liter, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो ये पता चला सबको? 100%। अब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर तो 1 meter, तो इससे मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या होगा? 1 meter बाय 100 सेंटीमीटर, तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो 2 liter 2000 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे मैंने 6 किए, कोई मुझे बताएगा क्यों मैंने 6 किए? सर क्योंकि सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर 1 meter का 100 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो 100 × 100 × 100 चला बताया? यस सर। तो बोलो अब क्या हो जाएगा? ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब रिमूव हो गया। यस सर। चलो ये 3 रिमूव हुए तो 2 × 10^-3 लिख सकता हूं मैं?
बोलो आप। ये 100 डिवाइड से है तो ऊपर जाएंगे तो 10^-3 हो जाएगा ना बेटा। हाँ बोलो बेटा। सेंटीमीटर का मीटर किया है, मीटर का सेंटीमीटर। फिर से एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो यहां पे मैंने लिया 5 लीटर, यहां पे मैंने किया मीटर क्यूब। चलो कैसे कर सकता हूं, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखवाओ, स्टेप बाय स्टेप। देखो 1 लीटर 1000 मिली 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलो यहां तक सबका क्लियर। तो यहां है इसका 5 लीटर मतलब 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बोलो इतना सबको पता चला। अब एक मिनट ध्यान से देखो, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। हाँ लिख सकता हूं ना। Yes, 100%। Yes, sir. तो मैंने इसका उल्टा लिख दिया, देखो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का मतलब 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो क्लियर ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसका मुझे क्या करना है, क्यूब। यस बोलो, अभी पता चला। यस सर। यस सर। हाँ तो अब मुझे क्या करना है, 5 लीटर 5000 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे आएगा 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब कट हो गया। तो अभी क्या बाकी रहा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 5×10^-3 मीटर क्यूब। चला पता? यस सर। यस। बोलो सबको पता चला बेटा? यस सर। क्या हुआ बेटा? हाँ 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 चलो, उसके बाद में भी एक क्वेश्चन दिया है, बोलो। हाउ मैनी, सेकंड आर देयर इन 2 डेज। चलो अब मुझे कैलकुलेशन कौन बताएगा, अगर मुझे एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है तो मेरा आंसर एक मिनट में आ जाएगा। बोलो कैसे, 1 डेज के होते 24 आवर, 1 आवर का होता है 60 मिनट, 1 मिनट का होता है 60 सेकंड। बट मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बुक में प्रॉपर मेथड दिया है। तो यहां पे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 डे का मतलब 24 आवर्स। क्लियर? Yes, 1 आवर का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट का क्या होता है, 60 सेकंड। बोलो ये सबको पता चला है? अभी मुझे क्या करना है, देखो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहां पे मैंने लिखा 2 डेज, 2 डेज, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो। 24 आवर। हाँ
24 आवर यहाँ पे आएगा मेरा वन डे, क्लियर? यस सर। उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो, 60 मिनट वन आवर, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 सेकेंड, 1 मिनट। तो इससे क्या हुआ देखो, डेट कट, आवर कट, मिनट कट, तो लास्ट में मेरा क्या आ गया, सेकंड। टू इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड, चलो कितना आता है, सेवन टेन चला पता है? ये कैलकुलेशन टफ नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूं कि 24 इंटू 60 इंटू 60 तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो प्रॉपर मेथड नहीं है। मुझे जो बुक में मेथड दिया है मुझे उसी से कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार चलो ये आप मुझे सिखाओ, अगर मेरे पास 5 डेज है तो उसके सेकंड कितने होंगे, चलो मिनट कैलकुलेट करना है, बोलो। 24 आवर्स, या तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब तो मुझे आता है ना, देखो 5 डेज इंटू 24 आवर्स, देखो देखो मुझे उल्टा लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 डे तो ऊपर लिखूंगा 24 आवर, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 आवर 60 मिनट, और ये मेरा क्या हो गया, डे कट हो गया, आवर कट हो गया, तो मेरा आंसर मिनट में आ गया। Yes, sir. तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा कि हमें यूनिट कैसे लिखना है। चलो मिनट yes, में कितना आता है, 7200। बोलो सबको पता चला है? Yes, sir. 100%। हाँ बोलो बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड भी आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना बेटा, सेकंड में भी आ सकता है, क्लियर? यस सर। तो ये तीनों एग्जांपल एकदम सिंपल थे। यस सर। आपने किया वैसे डायरेक्ट इनटू इनटू। हाँ ये लिख सकते हैं ना, ऐसा करके लिख सकते हैं, बट अगर मैंने डायरेक्ट ऐसा कर दिया ना बेटा 5 into 24 into 60 या डायरेक्ट मिनट, तो ये रॉन्ग भी दे सकते हैं, पूछो क्यों रॉन्ग दे सकते हैं। हाँ ये एनसीईआरटी में ऐसा है, जैसे कि हम जीएसबी में पहले पढ़ रहे थे, तो जीएसबी में तो सिंपल ही था ना कि अगर मुझे डेज को कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर? सबका क्लियर ना? तो अभी यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आपको ट्राई करना है। चलो अभी आपके पास टाइम है तो अभी मुझे आप आंसर बता सकते हो, अगर फास्ट दे सकते हो तो। 5 लीटर इक्वल टू, यहां पे मुझे चाहिए सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड नंबर में 2 लीटर का मुझे चाहिए डेसीमीटर क्यूब, थर्ड नंबर में मुझे चाहिए 6 लीटर का मीटर क्यूब। चलो इजीली मुझे फास्ट ट्रैक आंसर दे सकते हो तो यहां से देना है। 4 नंबर में मुझे चाहिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल तो सेल्सियस कितना एंड केल्विन कितना।
फाइव नंबर में मुझे क्या चाहिए, तो सिक्स इंच इक्वल टू सेंटीमीटर। सिक्स नंबर में मुझे किसका आंसर देना है, टू आवर्स, उसका सेकंड कितना, इसका सेकंड कितना, और एक मैं कंफ्यूजन वाला देता हूं, फाइव ईयर उसके सेकंड कितने। चलो किसी को फर्स्ट वाले का आंसर पता है, ट्राई करो, ये तो सटासट आ जाना चाहिए। फाइव लीटर के सेंटीमीटर क्यूब कितने, वेरी नाइस बेटा, ये तो मेरा 5000 का 5000 ही रहेगा। चला बताए, क्यों, वन लीटर 1000 मिली, इट मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। चलो सेकंड में मैंने टू लिखा, कोई मुझे बताएगा मैंने डायरेक्ट टू का से लिख दिया। जो 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर तो डेसीमीटर क्यूब हो गया, 30 कट हो गए। चला बता, चलो यहाँ पे मीटर क्यूब में मैंने लिखा 6 × 10⁻³। बोलो कहा से मैंने -3 लिखा, क्योंकि 10⁻⁶ से डिवाइड करना है, 10⁻⁶ से डिवाइड करना है ना। तो अगर मुझे ये MCQ में आता है तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे वैल्यू ही लिखना है। चलो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस कितना, 25। बोलो सबका आता है 25 बेटा, ऐसा हो जाएगा ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये यहां पे जाएगा तो 45, 9/5 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस 45 × 5/9, 9 × 5 = 45 तो 25। चला पता है, सबकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। चलो केल्विन में कितने आएंगे, 298.50। बोलो 6 इंच के सेंटीमीटर कितने, अब मुझे डायरेक्ट आंसर लाना है तो 6 × 2.54 ही कर दे रहे हैं ना, 21.24। चलो उसके बाद वाला मुझे कौन कैलकुलेशन करके देगा, 2 आवर्स, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में हो जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में हो जाएगा, कितना आता है, 77 वाला है ना, 4 फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट, उसका केल्विन का एक बार बताओ ना। ये बेटा, यस सर, तो केल्विन का मतलब क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, 25, 273.15 तो 298.15, क्लियर बेटा, ओके ओके। चलो 2 आवर के सेकंड निकालो, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। टू इंटू 60 × 60
चलो 12 देश के सेकंड कितने, 12 देश, तो 12 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 कितने, 36,000 सर, 840 हाँ बहुत सारे आएंगे, 8 3 4 4 0 4 4 0 एक जीरो के दो जीरो, बोलो एक मिनट यहां देखो ये मेरा 12 डे, फिर 1 डे 24 आवर, फिर 1 आवर 60 मिनट, फिर 1 मिनट 60 सेकंड, तो आप करो तो मल्टीप्लाई कितना आता है, डे चला गया, आवर चला गया, मिनट चला गया, 10,36,800 देखो तो अभी जो आपने बोला था इससे तो कुछ अलग ही आया, कहाँ पे गलती हो गई थी, 24 तो करना चाहिए ना बेटा, 24 से तो करना था, हमें डेज नहीं लिखा है मैंने, चलो ये किसका राइट आता है बोलो, 5 ईयर का मुझे चाहिए सेकंड, कोई मुझे बताएगा मैं कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं, वन ईयर 365 डेज, वन डे 24 आवर, बोलो 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो ये मेरा कट हो गया ईयर, ये मेरा कट हो गया डे, ये मेरा कट हो गया आवर, ये मेरा कट हो गया मिनट, तो सेकंड में कितना आता है मल्टीप्लाई करो सबको, अभी तो हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं पता है ना, yes, बोलो कितना आया बेटा, नहीं नंबर बोलो ना, नंबर बोलो, 1 5 7 6 8 4 0 4 0 तो अभी हमें क्या करना है मालूम है बेटा, 1 करोड़ 1 लाख ऐसा कुछ नहीं बोलना है, जैसे कि मेरा आंसर 4 फिगर में आता है तो 4 5 7 पॉइंट ऐसा हम बोल सकते हैं ना, क्लियर yes, sir. हाँ बोलो बेटा, हाँ बट हमें उतना तो पता है ना बेटा कि एक ईयर तो हम 365 डेज ही कैलकुलेट करते हैं ना, हाँ बट वो हमें ऐसा बताए कि 5 ईयर में एक लीप ईयर है तो हम 1 को ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर क्लेरिफिकेशन दिया है कि लीप ईयर को भी मेंशन करे तो इसमें मेरा एक दिन बढ़ जाएगा, अब एक दिन बढ़ेगा तो क्या होगा, 24 डेज बढ़ेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में आएगा, समझ रहे हो, 24 आवर फिर 60 मिनट फिर 60 सेकंड, सर मतलब